टॉपिक है उसके लिए मुझे अपने डब्बे से बाहर निकलना था, अपने डब्बे बैठ के वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा डब्बे से निकल के बाहर निकल के वीडियो बनाते हैं। तो मौसम आप देख रहे हैं बाहर जो है पूरी बर्फ बर्फ हो रही है और हम भी जैकेट पहन के बैठे हैं। तो सिलसिला कुछ ऐसा है भाई कि सबको पता है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, और जब इलेक्शन होने वाले हैं तो सिलसिला कुछ ऐसा है कि जब जो मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे हुआ करते थे, तो एक तरफ जो है MK में जलसा होता, 2 किलोमीटर दूर जो है पीपल्स पार्टी का जलसा था, उससे थोड़ा सा आगे चले चले जाए तो जमात इस्लामी वालों का हो रहा है। तो ये एक सिलसिला चलता था, एक अलग ही किस्म की वाइब होती थी हमारे यहाँ कि मतलब यार वाह यार क्या चीज़ चल रही है, क्या होने वाला है। और अब उसके लिहाज से फिर मतलब जब वाइब क्रिएट होती थी तो लोग घर से निकलते थे, फिर घर से निकलते थे तो फिर वोट डालने भी जाते थे, पूरे महीने की एक्टिविटी होती थी बहुत ज़बरदस्त, पूरी दुनिया में होती है, ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में होती थी। तो वो जो चीज़ थी ना बड़ी ज़बरदस्त थी। अब जो अब हालात देख रहा हूँ मैं कि क्या हो रहा है कि इलेक्शन होने में शायद 22-23 दिन रहते हैं और कुछ पता ही नहीं है क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि भाई MKM का एजेंडा क्या है, पीपल्स पार्टी का एजेंडा क्या है, मुस्लिम लीग का एजेंडा क्या है, मतलब बाकी जमातें जितनी भी है, PDI का एजेंडा क्या है। तो मतलब ये है कि वो पता ही नहीं चल पा रहा था इसे कैसे क्यों। अब लोग कह तो रहे कि भाई न्यूज़ के थ्रू चल रहा है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन यार वो जो थी ना जलसे वाली बात, जो जलसे जुलूस से निकलते थे वो लोग, जो हम लोग अलग अलग जगह जाते थे गाड़ी भर भर के, CVU जा रहे हैं वहाँ जलसा हो रहा है भाई, वहाँ ये वाइब क्रिएट हुई हुई है, वहाँ नारे लग रहे हैं, उससे जो है ना बंदा मोटिवेट होता था। मैंने नोट किया था कि मतलब हम लोग जो है ना एक आज तक मतलब मैं फील होता है कि यार वो जो क्रिएट होती थी ना पूरी एनर्जी, उससे लोग जाते थे बाहर निकलते थे वोट डालने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या हमारी जो है सिलसिला था, कितना हमारा वोट जो है डलते थे या नहीं डलते थे, लेकिन मुझे ये पता है कि बच्चा बच्चा जो है ना उस वक्त वो ये इस फॉर्म में था कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं। अब जो है हमारी जब इलेक्शन ही की कोई वाइब नहीं है तो हमारी डेमोक्रेसी तो पता नहीं कहाँ चली गई। अब लोग कहेंगे यार डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में पहले भी नहीं थी तो आप कौन सी बात कर रहे हो, लेकिन यार जो होता है ना कतरा कतरा जो क्या कह सकते हैं हम समंदर बनता है वाली बात है कि तो वो चीज़ जो है हमने ख़त्म कर दी, कतरा निकल रहा था ना वो भी हमने ख़त्म कर दिया, हमने जो है उसको कर दिया कि भाई कोई कतरा नहीं गिरेगा, कोई समंदर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जो हम कह रहे हैं वो है, ये वाली या वाली वाइब आ रही है। जो अब छोटा बच्चा जिसने कभी जिंदगी में इलेक्शन नहीं देखा, जो फॉर एग्जांपल जो अभी इस साल 18 का हुआ था, पिछले साल 18 को जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन में वोट देगा, उसको क्या पता, कुछ नहीं पता। अब क्या मतलब अपने अब्बा के साथ बैठ गया न्यूज़ चैनल देखेगा, उसमें देखेगा कि मतलब हो क्या रहा है, नहीं यार जो सराउंडिंग में चीज़ें होती है, झंडे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यार वो एक्टिविटी कुछ और थी। और उसमें खाली मर्द हजरात नहीं थे, ये नहीं था लड़के शामिल है मर्द हजरात है, नहीं ऐसा नहीं था, उसमें सब छोटे बच्चे, भाई मैं छोटा था, बच्चा था, मैं 8-10 साल का बच्चा, हमें पता है कि क्या हो रहा था, हम इंजॉय करते थे उस चीज़ को, यार क्या बात है, क्या चीज़ हो रही है, फैमिली के साथ जा रहे हैं, एक्टिविटी थी फैमिली की, औरतें बच्चे सब जाते थे। अब जो है लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, अब जो नज़र आ रहे हैं आप जाके देख लें, आप अगर आपको देखना ही एक्टिविटी जलसे लगा भी रहे, जलसे हो भी रहे, MNN वाले कर रहे हैं, कोई और भी कर रहे हैं, तो वो वाइब नहीं है, वो पब्लिक नहीं है, वो जो है पब्लिक है भी तो वो नजर आएंगे आपको 80% मर्द नजर आएंगे, 90% मर्द नजर आएंगे, वो बच्चे औरतें जिन्होंने वोट डालने हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, जब वो नज़र नहीं आ रहे तो कैसे वोट डालेंगे, उनको पता ही नहीं है। तो हमें जो इस वक्त जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं वो हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं, आगे या पीछे कैसे जा रहे हैं भाई, पहले आप गैस थी हमारे पास, गैस खत्म हो गई, लोग कोयले पे वापस आ गए, ठीक है ना भाई, पहले पानी आपके पाइप में आता था, मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे अब्बा बताते हैं, अम्मा बताती है हमें कि हमारे अब्बू जो है वो जाके बाल्टी भर में पानी लेके आते थे भाई, जाके कोने से ना, उस सब पाइप का तस्वुर नहीं था, पाइप से पानी आएगा, मोटर लगानी पड़ेगी, बात बहुत बाद में आया कि भाई पानी आ रहा है मोटर से। वो जो है हमारा आप देख लो, आप वही हो रहा है सेम चीज़, बस लोगों को योग करो कि आप खुद नहीं जा रहे, आपने पानी वाले को लगाया, पर ट्रक आ रहा है, टैंकर आ रहा है, टानी टैंकर पानी लेके जा रहा है, पानी पीने का पानी बॉटल आ रही है आपके पास, वो पानी देके जा रहे हैं आपको पीने के, चीज़ वही हो रही है, बस ये कि आपने पैसे दे के काम करा रहे हैं,
लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। पानी की कनेक्शन जो हमारे पास है वो ना होने के बराबर है, कुछ का काम नहीं है उसका। गैस का कनेक्शन जो हमारे पास है कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इलेक्ट्रिसिटी आप अभी वही बात बोलूँगा पीछे वाली बात कि पहले हम लालटेन मोमबत्तियाँ और ये सब लेके घूमते थे, तो वही चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी देख लें आप कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया। तो जब ये मसले हमारे सामने रखे जा रहे हैं कि हमें पता है कि मसले हैं, और लेकिन इलेक्शन टाइम में जब हमें पता नहीं है कि कौन सी पार्टी जो है इस चीज़ को सीरियसली ले रही है और क्या क्या उनके तरीक़ेकार हैं कि किस तरीके सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, तो आप कैसे वोट देंगे यार। मतलब बेसिकली अब जो वोट देने का दिन जो है ना, वो छुट्टी का दिन बन गया है। क्या छुट्टी मनाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, हमारी क्रिकेट खेलते नहीं खेलते नहीं वाली बात है कि अब लड़कों में बैठेंगे, उठे बैठेंगे, खाना बना होगा, खाला आएगा, चले जाएंगे, ये होगा और कुछ नहीं होगा। वो जो एक्चुअल मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होगा आपका। होपफुली आने वाले टाइम में कुछ इससे बेहतरी आ जाए, उम्मीद करते हैं हम। लग तो नहीं रहा जिस तरह चीज़ें पीछे जा रही हैं। तो हमने जो टाइम देखा था ना, मैं बोलूँगा हम बोलते हैं अपनी एज को बोलते हैं कि हमने टाइम देखा था, बहुत अच्छा टाइम देखा था। और मेरे अम्मा अब्बा जो है वो बोलेंगे उन्होंने बहुत अच्छा टाइम देखा था, जो मेरे दादा दादी बोलेंगे वो बोलेंगे उन्होंने अच्छा टाइम देखा था। तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है वो क्या बोलेगी कि हम जो है अपने दादा परदादा ने जो हमारा टाइम देखा था कि हम खाना बनाते थे कोयले पे और लालटेन जला के सोते थे और पानी भर के लेके आते थे, हम उस टाइम में वापस जा रहे हैं, उस टाइम के अंदर हम चले जाएंगे। और फिर क्या होगा कि तरक्की वरक्की तो सब चीज़ तेल लेने गई ना भाई, वो कुछ कोई कुछ नहीं करने वाला उसके लिए, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि MQM क्या कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि PTI क्या कर रही है, मुस्लिम नवाज क्या कर रही है, मौलाना साहब ने क्या बोल दिया, उसने क्या कह दिया, बस ये चल रहा है भाई। यही हमारी तरक्की का होता है, समझ लो कि जो हमारा जो नज़र आ रही है तरक्की, ये नज़र आ रही है कौन किसको क्या बोल रहा है, किसने सोशल मीडिया पर किसको क्या बोल दिया, ये तरक्की है हमारी। तो यार होपफुली आने वाले वक्तों में कुछ हमारे थोड़ा शऊर आएगा लोगों में, और उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद से दुनिया कायम है। और जो हमारे जो लोग बाहर निकल गए हैं, जो बाहर जा रहे हैं, उनको वो शऊर लेके वापस पाकिस्तान आए, या वो शऊर जो है अपने जो है आने वाली जनरेशन में बांटे कि मतलब किस तरीके से आपने रहना है। क्योंकि जो नज़र आ रहा है इस वक्त, वो नज़र ये आ रहा है कि मतलब यार हम लोग किसी काम के नहीं हैं, हमने कोई काम नहीं करना है, काम जो करना है बाहर जाके करना है। क्योंकि आप खुद रह रहे हैं यार बाहर, हम भी यही कहते हैं भाई जो अपॉर्चुनिटीज बाहर है वो पाकिस्तान में नहीं है। लोग बोलते हैं भाई गद्दार हो, बाहर भाग गए, ये वो है, लेकिन क्या करें यार, आज भी पाकिस्तानी सिटीजन है भाई हम। ऐसा नहीं है पाकिस्तानी सिटीजन ख़त्म हो गई हमारी, हम आज भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं। और अगर हमारी सिटीजनशिप ख़त्म भी हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब भी जो हमारी स्किन है ना ये पाकिस्तानी ही रहेगी, हमारी सोच पाकिस्तानी ही रहेगी, हम जो बचपन गुजार के आए पाकिस्तान में वो हमारा पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी ही रहेगा, वो कुछ चेंज नहीं हो सकता है। तो आज भी मैं अगर पाकिस्तान जाना चाहूँगा तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरा वही पुराना वाला टाइम जो था मेरा पाकिस्तान छोड़े हुए, वही टाइम याद आता है मुझे, और वही टाइम सोचता हूँ वही टाइम में जाऊँ वापस किस तरीके से। मैं जो नया टाइम उससे डर लगता है, मोबाइल छीन रहे, चीज़ें छीन रही है, चोरी चकारी, मतलब यू नेम इट यार, मतलब ये क्या क्या हो रहा है। तो यार मतलब वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था इस वीडियो का कि यार जो हमारे यंगस्टर हैं, जो पता नहीं आ रहे कितने लोग मेरी वीडियो देखेंगे, यार कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, क्या प्रॉब्लम है, आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, आपने जो है किसी तरीके से भी हो के आपको जाना है कि मतलब मैं, यार बहुत मुश्किल काम है, आई नो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि फिर भी आपने टाइम निकाल के आपने जाना है और अपना वोट डालना है। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा और हमारी डेमोक्रेसी जो है ना वापस आएगी और हमें जो है उन चीज़ों का फ़ायदा होगा। लोग बोलेंगे डेमोक्रेसी ठीक है भाई, कुछ भी टूटी फूटी थी ना, अब तो वो भी नहीं है ना, मैं कहने का मकसद ये है। तो जो भी यंगस्टर हैं वो कोशिश करें कि भाई बाहर निकलें और वोट डालें, किसी को भी डालो यार, किसी को भी डालो, XYZ किसी को डालो। मेरा मकसद ये नहीं कि आप इसको डालो, उसको डालो, इसको नहीं डालो, किसी को भी डालो, बस डालो, अपना जो है अपनी जो राय है ना वो रजिस्टर करा दो किसी तरीके से, बस ये काम होना चाहिए आपका। ये आपने काम किया, काम कर दिया, आपका मकसद पूरा हो गया इलेक्शन का। घर बैठ के पकौड़े खा लेना, आलू पराठा खा लेना, ये मकसद नहीं है छुट्टी वाले दिन का यार, ये छोटा सा काम है, ये आप करिए। हमें तो कोई राइट नहीं है वोट डालने का, क्योंकि हम तो गद्दार हैं बेसिकली। तो आप लोग हैं पाकिस्तान में अभी भी, तो कोशिश करिए कि पाकिस्तान को इतना अच्छा बना दीजिए कि आपको पाकिस्तान निकलने की ज़रूरत ना पड़े, और
हम जैसे लोग जो पाकिस्तान छोड़ चले गए वो कोशिश करें कि वापस आ जाए पाकिस्तान में, जैसे सारे इंडियन वापस चले जाते हैं, हम जाते ही नहीं कहीं। तो यही आप लोग से रिक्वेस्ट थी, और होपफुली कोई चीज़ अगर बुरी लगी हो तो माफ़ी। और मेरा किसी को भी मतलब दिल दिल दुखाने वाली बात करने का नहीं था, लेकिन ये कि बस ये कि मुझे दिल में आती होने की, और होपफुली आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और इंशाल्लाह दोबारा अपने